इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्यूट्स एंड कैंसलेशंस के बारे में। अच्छा जी, ये डिस्प्यूट क्या होते हैं और कैंसलेशंस क्या होती हैं? जैसे कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और फिर कैंसलेशन भी हो जाती है और कोई रिजॉल्व भी हो जाती है, फाइवर में भी एक ऐसा ही सिस्टम है। लेट्स सपोज कि मैं एक बायर हूँ और आप एक सेलर हैं। मैं आपकी प्रोफाइल पर आया, आपने जो गिग पब्लिश की हुई थी यानी कि सर्विस पब्लिश की हुई थी, मैं उसको देख के आपकी प्रोफाइल पे आया। आने के बाद मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ओके, मैंने ऑर्डर कर दिया जो आपकी सर्विस थी, मैंने अपना कार्ड वगैरह लगा के फाइवर को चार्ज दे दिए, पैसे दे दिए, ऑर्डर हो गया। अब जनाब आप सेलर हैं, ऑर्डर है आपका $100 का, ओके। अब उसके बीच में तीन पैकेज हैं, $100, $150 and $200, ओके। अब मैंने क्या किया कि मैंने 100 वाले को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मैं अगर आपको दिखा दूँ, कोई मैं यहाँ से खोलता हूँ कोई भी गिग को, लेट्स सपोज के यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, सॉरी वर्डप्रेस को मैं सर्च करता हूँ, ओके, वर्डप्रेस को मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पे मैं किसी भी की गिग इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे देखें, तीन इसकी जो है वो बनाई हुई हैं, उसने तीन कैटेगरीज हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। अब मैं बायर हूँ, ओके, मैं आपकी सर्विस पे आया, आने के बाद मैंने यहाँ से आपकी जो गिग है ये वाली सर्विसेज, मैंने यहाँ से ये बेसिक को परचेज़ कर लिया। परचेज़ करने के बाद मैं आपसे भी डिमांड कर रहा हूँ कि भाई साहब मुझे जो प्रीमियम में चीज़ें अवेलेबल है ना, ये वाली ये सारी की सारी मुझे बेसिक में चाहिए। साथ मैंने ये मैसेज आपको कर दिया कि मुझे जो प्रीमियम वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी बेसिक वाले पैकेज में चाहिए। ऑर्डर प्लेस हो चुका है, अब आप भी फंस गए होंगे। अब क्या होगा, अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप फाइवर से कॉन्टैक्ट करेंगे और दूसरा रास्ता ये है कि आप उस बायर से कॉन्टैक्ट करेंगे कि सर काइंडली जो आपको चीज़ें चाहिए प्रीमियम वाली उसकी प्राइस ये वाली है, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यानी कि ये $100 में दे रहा है और ये $300 में है, तो $300 में मतलब आपको $200 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप $200 नहीं पे करना चाहते एक्स्ट्रा, आप $150 तो कर दें ताकि मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको भी सर्विस मैं अच्छे से प्रोवाइड कर सकूँ। अगर वो बायर आपका नहीं मानता तो फिर आप क्या करेंगे, आप सिंपल जो है वो रेजोल्यूशन सेंटर पे जाएंगे, फाइवर का जो है वहीं पे ऑर्डर के साथ ही ऑप्शन होता है रेजोल्यूशन सेंटर का, वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप फाइवर को बताएंगे कि सर ये सारा मसला है, मैं इस ऑर्डर को कंप्लीट नहीं करना चाहता, मैं ये ऑर्डर नहीं लेना चाहता। अब फाइवर एक डिस्प्यूट बनाएगा, डिस्प्यूट बनाने के बाद वो बायर से शेयर करेगा कि सेलर ये वाली बात कह रहा है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो वो एक सॉलिड रीज़न देगा, चले ठीक है मैं जो है वो प्राइस को बढ़ा देता हूँ, इतनी प्राइस मैं कर देता हूँ। फिर दोबारा आपको नोटिफिकेशन आएगा कि बायर जो है ये चीज़ कह रहा है, तो आप इस चीज़ पे एग्री करते हैं? तो अगर आप एग्री कर लेंगे तो फिर आपका जो है मामला है वो रिजॉल्व हो जाएगा और आप दोनों ऑर्डर पे काम कर लेंगे। अदरवाइज़ वो ऑर्डर अगर बायर मान जाता है कि नहीं मैं ज़्यादा पे नहीं करना चाहता, मैं बस इतनी पे करना चाहता, तो आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब मोस्टली सेलर क्या करते हैं बेचारे, उनको ऑर्डर आ गया, अब उनको डर होता है कि यार मैंने कैंसिल कर दिया तो मेरा जो कंपटीशन रेट है वो डाउन हो जाएगा, तो वो मजबूरी में ये ऑर्डर कर देते हैं। और अब ये बायर भी ये चीज़ करते हैं कि मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए कि सेलर जो है उसका कंपटीशन रेट अगर वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं करेगा वो कम हो जाएगा, तो वो कोई ऐसी गिग को ढूंढेंगे आपकी प्रोफाइल से जिसकी कीमत कम से कम हो, उसको प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद फिर आपसे वो डिमांड करेंगे कि हमें ये वाली सर्विस दो, तो मजबूरी में ये लोग ऐसे करना पड़ जाते हैं। अच्छा जी, ये तो होगी बायर की कहानी, अब आते हैं सेलर की तरफ। बायर ने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, अब सेलर अपनी सर्विस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। सेलर ने आपने बनानी थी वेबसाइट और उसमें आपने ये भी कहा हुआ था कि मैं सारी चीज़ें प्रीमियम ऐड करूँगा, रिस्पॉन्सिव बनाऊँगा, प्रोफेशनल बनाऊँगा, स्पीड उसकी अच्छी होगी, SEO ठीक करूँगा,
तो अब क्या हुआ, आपने वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की, सेलर को पसंद नहीं आई। जब आपने आर्डर डिलीवर किया, डिलीवर करने के बाद आपका जो बायर है उसने रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद उसने कहा कि नो, ऐसा तो मुझे कुछ मिला ही नहीं है जो आपने लिखा हुआ था, जो सारी चीज़ें लिखी थी उसमें ये तो आपने कुछ ऐड ही नहीं किया, सिंपल सी वेबसाइट बना के दे दी है। अब बायर आपसे खुश नहीं है, वो क्या करेगा, वो कहेगा कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अब वो रेजुलेशन से कॉन्टैक्ट करे, उसका रेजुलेशन सेंटर यानी कि फाइवर का जो है उससे कॉन्टैक्ट करेगा सपोर्ट सेंटर, उसे बताएगा कि इस बंदे ने मेरे से गलत बयान नहीं की है, इसने मेरा जो ऑर्डर है जो इसको मैंने प्राइस पूरी पे की है लेकिन उसके बावजूद इसने मुझे जो सर्विस है वो थर्ड क्लास दी है। अब फाइवर उस चीज़ को रिव्यू करेगा कि इसने जो प्रोमिस किया हुआ है अपनी सर्विस में वो सारी चीज़ें इसने प्रोवाइड की हैं कि नहीं की। अगर वो सारी सर्विसेज आपने प्रोवाइड नहीं की होंगी तो आप गिल्टी पाए जाएंगे, सेलर गिल्टी पाया जाएगा। और इससे क्या होगा कि सेलर को एक वार्निंग मिलेगी, वार्निंग मिलने के बाद ऑटोमेटिकली जो बायर है, जो स्पोर्ट्स सेंटर है, वो आप ऑर्डर कैंसिल कर देगा, आपको कोई अपील का हक नहीं देगा, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अब आपकी मेहनत भी ज़ाया हुई जो आपने लगाई हुई थी, लेकिन हुआ क्यों कि आपने जो सर्विस है वो प्रोफेशनल तरीके से परफॉर्म नहीं की। तो इसलिए हमेशा जब भी कोई ऑर्डर आए, ऑर्डर आने के बाद हमेशा जो सर्विस है उसको एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, प्रोफेशनल तरीके से परफॉर्म करें, ताकि आपका बायर भी खुश हो, बायर खुश होने के साथ आपको टिप भी देखे जाए। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें आप मामलात किया करें। ओके, तो ये थे सारी डिस्प्यूट एंड कैंसलेशन, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा जब हम प्रैक्टिकल में करेंगे, तो अभी जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी है कि डिस्प्यूट एंड कैंसलेशन क्या होते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।